अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशाम दीद कहता हूँ। तो आज ना मैंने इन कटिंग्स को जो मैंने ना आई थिंक मार्च में लगाई थी उनको ट्रांसफ़र करने लगा हूँ गुलदाउदी की। ये अच्छी वैरायटी है, इस वजह से मैं इनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास जगह नहीं है गुलदाउदी रखने की। पहले जो मेरे पास हैं ये देखिए, इनको ना मैंने नियर अबाउट इसमें डाल दिया है क्योंकि ना ये स्पॉट्स में थी। ये कटिंग मैंने लगाई थी दिसंबर में, तो ये देखिए ना ये काफ़ी सारी हैं इसमें, आई थिंक सो 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो हैं, और दो मैंने ना वो डाल दिए थे इसमें स्ट्रॉबेरी के, क्योंकि ना वो ऊपर उसमें पड़े थे पाइप में, तो उनके ना सारे पत्ते काट के ना मैंने इसमें डाल दिए। यह मैं किसी जगह रख दूंगा क्योंकि ना इसकी फ़िलहाल मेरे पास जगह नहीं थी इनकी, इनको रखने की। और जो बड़े वाली हैं ये भी दिसंबर में मैंने लगाई थी, इनको मैंने ऊपर से काट दिया था, तो ये देखिए काटने से कितने सारी शूटिंग निकलती है। काटने से ना एक काटा है मैंने, यहाँ से 4 शूटिंग निकलती हैं और यहाँ से 2 निकलती हैं, बल्कि 3 निकलती हैं, इसने में से भी 3 निकलती हैं। तो इस तरह ऊपर से इसको काटे काटते रहा करें ताकि ये घर ना हो। ये वाली कटिंग मैंने दिसंबर में लगाई थी, और ये जो है ना ये बड़ी बड़ी सी 2 कटिंग्स हैं ये वाली, ये एक है इसके पीछे एक बड़ी है वो आपको दिखेगी नहीं, ये 2 हैं। ये मैं लगाई थी अक्टूबर में, इसको मैं ऊपर से काट दिया था। ये देखिए कितनी मोटी मोटी, इसके तो बड़ी मोटी शॉट्स निकली हैं, सबसे हेल्दी ये हैं। ये वाइट वाली हैं, छोटे गात वाला वाइट, और ये बड़े गात वाला वाइट है, लेकिन इसमें ना इतने छोटे छोटे बटन की तरह लगते हैं वाइट, बड़े प्यारे लगते हैं, भर जाता है ये फूलों से। तो आज ना मैं ना इसको ग्रो करने लगा हूँ, तो ये देखिए मैंने ना इसको निकाला है, तो देखने की क्या इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए इनकी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ना अब मैं इनको ना इस 10 कप्स हैं इन 10 कप्स में ट्रांसफ़र कर दूंगा, बाकी अगर कोई बच गई, क्योंकि ये ज़्यादा ही होंगे 10 से, तो मैं देखूंगा उनको क्या करना है, क्या पता एक में मैं 2 डालूँ, क्योंकि मैं अभी इसको ना सिर्फ सेव करना चाहता हूँ, और इसको ना मैं सिर्फ खाली सैंडी सॉइल में यूज़ करूँगा डालूंगा, और किसी चीज़ में नहीं डालूंगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, ये वही वाली वैरायटी है, छोटे पत्तों वाली है ना बड़ी बड़ी, ये वही वाली वैरायटी है। तो इसको मैंने सेव करना है क्योंकि ये मेरे पास एक ही प्लांट था, और ये येलो वाला है बड़ा। तो चलिए मैं इनको ना इस कप्स में डालता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस सैंडी सॉइल डाल के इसको अंदर रख के इसको ना वो कर दूँगा, पानी दे दूँगा। चलिए अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसमें मिट्टी भर ली है, अब क्या करना है आपने ना इसमें होल करना है छोटा सा, इसको दबाना नहीं है मिट्टी भर के ना, सबसे पहला काम इसको उठा के ना आराम से उठा के ना, ये जिसकी रूट्स थी इसको इसके अंदर रख देना है बस, और ये आपका तैयार है। ये देखिए अंदर रख के इसको ऐसे कर देना, ये देखिए ये आपका प्लांट हो गया, इतना आसानी से प्लांट हो जाता है। तो सारे मैं ऐसे करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही निकले हैं तो मुझे किस पे 2-2 डालने पड़ गए, इसमें मैंने 2 डाले हैं ये और ये, और इसमें मैंने 2 डाले हैं, बल्कि ये पहले ही 2 थे ये और ये, इसको ना मैंने इसमें पेड़ और डाल दिए, तो ये काफ़ी सारा भर जाएगा, इसको जगह कम हो जाएगी। और इसमें मैंने डाले हैं 2, और इसमें मैंने 2 डाल दिए, और इसमें मैंने 2 डाल दिए, यानी कि अगर ना 1 2 3 और 4 प्लांट और बन जाते हैं, अभी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने 3 कप और वो डाले हैं क्योंकि प्लांट बहुत सारे थे, तो ये 13 है ना, 13 और 4 14 15 16 17 प्लांट बन जाते, तो इतने सारे मेरे पास रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने ऐसे एक में 2-2 ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें 2 डाले, इसमें 2 डाले, इसमें 2 डाले, और इसमें 2 डाले, तो 4 मैंने 2 डाली हैं। तो इनको ना रूट बाउंडिंग का ख़तरा होगा, लेकिन देखा जाएगा जो होगा। मुझे असल में ना ये वाली वैरायटी का चाहिए था क्योंकि ये मेरी पसंदीदा वैरायटी, इस पर बहुत सारे फूल लगते हैं और छोटे छोटे छोटी छोटी फैट के लगे रखते हैं, कि ये है एक, ये है एक, ये है और कौन सी बात है, आई थिंक सो यही है 1 2 3 4, ये पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ये 3 तो हैं, इसका मुझे कन्फर्म नहीं है अभी। और ये जो ये वाली वैरायटी है ना, ये है बड़े छोटे कद में पीला फूल होता है इसका, ये भी बड़े प्यारा लगता है, ये है ये बड़े कद वाली है ये, और ये इसका मुझे नहीं पता ये कौन सी है,
और ये भी आई थिंक सो यही है, यही लग रही है मुझे, पता नहीं चल, जो बड़ा होंगे तो फिर पता चलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बड़े में मैंने डाले हुए हैं ना, ये पता नहीं क्या निकल आया, अगर किसी को पता हो तो, खुद बहुत ही निकला पता नहीं क्या चीज़ है। तो इनको भी मैं ऐसे कप्स में, दो और कप्स में ट्रांसफ़र कर दूँ, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा जगह ले रही हैं। तो फिर मैं इनको रख दूँगा, या तो धूप में रख दूँगा या फिर यहाँ सामने रख दूँगा। तो चलें, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये सब किया रूटिंग माशाल्लाह अच्छे से स्टार्ट हो गई थी, किसी की भी ऐसा नहीं था कि इसकी रूटिंग ना हुई हो। आई थिंक सो एक था ये वाला जिसका लटका पड़ा है ना, इसकी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी अभी, बाकी सब की हो गई थी। तो चलें, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये सह कैसे ग्रो करना है, तो ना मैंने इसकी वीडियो के स्टार्ट में उसका लिंक दे दूंगा कि मैंने कब लगाई थी, कैसे लगाई थी, कैसे लगानी चाहिए। तो बहुत आसान है इसको लगाना, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अब आप ना लगाइएगा क्योंकि गर्मी आ गई है। इसको लगाने का बेस्ट मौसम होगा अक्टूबर में। अक्टूबर में जो मैंने कटिंग लगाई थी ना, वो अब जाके बड़ी हो रही है। तो अगर आप ना अक्टूबर से थोड़ा सा पहले अगर सावन में स्टार्ट कर दो ना, सितंबर में, अगस्त सितंबर में, तो आपको ना नवंबर तक ना इसके फूल मिल जाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगस्त में स्टार्ट कर दो इसकी वो लगाना। कुछ लोग तो जुलाई में भी कर देते हैं क्योंकि वहाँ जुलाई में सावन आ जाता है, लेकिन यहाँ जुलाई में सावन नहीं आता, तो आप यहाँ अगस्त में लगा दीजिएगा। मेरा तो ये पहला सारा एक्सपीरियंस था, और पहला सारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, आप देख रहे हो मैंने बहुत कटिंग लगाई है, बहुत सारी। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा बता रहा हूँ, नहीं सॉरी, एक पिछले साल ही मैंने एक दो कटिंग लगाई थी, मैं तीन लगाई थी, उसमें से ना एक सक्सेसफुल हुई थी। लेकिन इस साल जितनी मैंने मैं लगाई है ना, उसमें मेरे पास एक छोटा सा प्लांट था, इतना सा इसकी मैंने लगाई थी ऐसे ही। तो इस साल मैं जितनी लगाई हैं माशाल्लाह सारी सक्सेसफुल हुई हैं, बहुत ही कम फेलियर हुआ है। जैसे अभी देखिए सिर्फ एक की रूटिंग स्टार्ट हुई, बाकी सब की हो गई है। तो पिछले साल मैंने मिट्टी में लगाई थी, इस साल मैंने पीट मॉस में लगाई है, तो पीट मॉस में 100% रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको ना वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।